A park is in the shape of quadrilateral ABCD, which has angle C is equal to 90 degree. मतलब क्वाड्रिलेटरल तो हमें बनाना है, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ रहा है. अपन ने लिया ए बी सी और डी. सी जो है वो 90 डिग्री हो गया. ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, ये हमारा ए बी विच इज इक्वल टू 9 मीटर. बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, बी से लेके सी तक हमारे पास आ रहा है 12 मीटर. देन सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर, ये वाला पार्ट भी हमें दे रखा है. एंड ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर. चारों साइड हमारे पास में प्रेजेंट है और एक 90 डिग्री है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो क्या करेंगे हम, बीच में हम एक लाइन खींच देंगे बी डी. अब ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, ये वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री वाला पार्ट हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. तो बेस हमारे पास 12 है, हाइट हमारे पास 5 है, इस वाले का पार्ट हमारे पास में आ जाएगा. बट इस वाले का क्या करें, इसमें एक साइड दी है, सेकंड साइड दी है, थर्ड साइड हमारे पास में नहीं. तो हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूले के लिए तो हमें तीन साइड कंपलसरी चाहिए ही चाहिए. क्या करें, तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल बी सी डी राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा. बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर और सी डी स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर. इट इज 169 और 169 का अंडर रूट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा बी डी इज इक्वल टू 13 मीटर. तो ये पार्ट यहाँ पर हमारे पास में आ गया 13 मीटर. अब दो ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग निकालेंगे. पहले हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, इसको आप चाहो तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकालो और चाहो तो एस इंटू एस माइनस ए वाला जो अपना अरॉन्स फॉर्मूला है उससे निकालो. दोनों पार्ट अप्लीकेबल है, बेस इज 12, हाइट इज 5. आंसर आ गया 30 मीटर स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आ गया. अब दूसरा पार्ट लेंगे, ये वाला. इसे फाइंड करने के लिए हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और पूरे का अंडर. एस ढूंढना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2. एक साइड 8, एक साइड 9 और एक साइड 13. इन तीनों से हमने एस निकाला. उसके बाद आपको मालूम है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में पुट अप करिए आपको एरिया मिलेगा. ये आपकी सेकंड इक्वेशन रहेगी, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास में हो. स्टार्ट करिए. चलिए फॉर्मूले में पुट अप करेंगे. इट इज 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13. 15 को एज इट इज, 15 माइनस 8 इज 7, 15 माइनस 9 इज 6, 15 माइनस 13 इज 2. इसको अपन अंडर रूट करके निकालेंगे तो 15 इज 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, 3 इज 6 इंटू 2. फैक्टर्स निकालिए, दो बार 2 आ रहा है, एक 2 बाहर, दो बार 3 आ रहा है, एक 3 बाहर, अंदर बचा 7, 5 इज 35. कल हम लोगों ने रूट 35 की वैल्यू निकालना सीखी थी, हमारा आंसर आया था 5.9.
तो इट इज 6√5 इट इज 6√35 यानी 6 × 5.9 6 9 = 54 6 5 = 30 और 5 35.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड आंसर है। मुझे आपका टोटल आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल चाहिए था, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीसीडी प्लस एरिया ऑफ एबीडी। पूरा लिखना कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। स्टेप पूरी लिखिए, उसके बाद ऐड करने के लिए वैल्यू डालिए 30 + 35.4 दैट इज 65.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें भी हमें क्वाड्रिलैटरल ही दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इन विच एबी इज इक्वल टू 3 cm उसके बाद बीसी इज इक्वल टू 4 cm नेक्स्ट इज सीडी इज इक्वल टू 4 cm एंड एडी इज इक्वल टू 5 cm ऑल्सो एसी इज इक्वल टू 5 cm। अब ऐसा कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है कि 90 डिग्री कहां पर है, हमारे पास कहीं पर भी डायग्राम नहीं है, हमारे पास कहीं पर भी ये डिटेल नहीं है कि ये 90 डिग्री है या ये है या वो है, तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे क्वाड्रिलैटरल का शेप क्या बनने वाला है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम ऐसा ही ड्रॉ करें। आपने अपना सिंपल क्वाड्रिलैटरल ऐसा ड्रॉ कर दिया हमारी मर्जी, हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी सी डी। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये डायग्राम होगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो डेफिनेटली 4 थोड़ा छोटा होगा, 5 थोड़ा सा बड़ा होगा। मतलब इस बिहाफ पे हमने डायग्राम ड्रॉ करा है, हमने कोई ऐसा ड्रॉ नहीं कर दिया कि ये 90 डिग्री लेना है या ये लेना है या वो लेना है। ये 3 cm हो गया, ये 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है। इन दोनों को ज्वाइन करोगे दिस इज सीडी, ये वाला भी हमारे पास 4 है और ये वाला पार्ट हमारे पास में 5। ठीक है, तो कहीं पर भी 90 डिग्री वगैरह नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 base × height, क्योंकि वो तभी अप्लाई होता है जब हमें 90 डिग्री दिया हुआ हो। ठीक है, तो डायग्राम बना देने से ये 90 डिग्री नहीं हो गया, जब तक कि आपके पास बुक में लिखा हुआ ना हो आप इसे 90 डिग्री नहीं ले सकते। तो डायग्राम ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है, कुछ भी ड्रॉ कर लो। अब क्या करेंगे, हमें दो ट्रायंगल के एरिया अलग अलग ढूंढने रहेंगे। एक बार हम लोग ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सारी साइड्स हमें दे रखी है, कोई इशू नहीं है। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पूरे का अंडर रूट। एस कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2, इट इज 12/2 6। फिर वैल्यू पुट अप करके आप एक एरिया निकालेंगे, दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा चालू करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी और उसे भी हम लोग लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी। जो लोग फॉर्मूला लिखने की तकलीफ नहीं उठा रहे उन लोगों को टीचर भी मार्क्स देने की तकलीफ नहीं उठाएगी। ध्यान रखिए, आप जितना परफेक्ट स्टेप्स लिखेंगे उतने परफेक्शन के साथ आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना हम बोलते हैं हमें हमारा आंसर तो राइट आया पर टीचर ने नंबर काट लिए। अरे टीचर को थोड़ी नंबर चाहिए बेटा, टीचर को क्या मतलब है आपके नंबर्स से, टीचर को चाहिए नहीं, टीचर को नंबर देना ही है, लेकिन आपका सब कुछ पार्ट जो है वो परफेक्शन के साथ लिखा हुआ होना चाहिए। अगेन एस इज इक्वल टू तो ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2, आप पूरा फॉर्मूला लिखिए
तो टीचर भी पूरे मार्क्स देगी, मना थोड़ी कर देगी। अब हमारे पास एक हो गया है फाइव, एक हो गया है फोर और एक हो गया है फाइव, फोर डिवाइडेड बाय टू, तो इट इज 14/2, यानी हमारे पास आंसर आया 7। तो ये आपको वापिस से एरिया ढूंढना है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्टार्ट करिए, हमें डायग्राम बनाना है, डेफिनेटली बनाना है, 100% के साथ हमें बनाना है, क्योंकि हमें क्या मालूम, टीचर को क्या मालूम कि आपका एबीसी कौन सा है और उसमें आपने कौन सी साइड ली है। आपके इमेजिनेशन से तो एबीसी नहीं बन जाएगा, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि ये हमारा पार्ट एबीसी है और इसके ये साइड्स हैं, तो उसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करिए, बट कर लेते एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पूरे का अंडर रूट। इट इज 6 × 3 × 2 × 1 का अंडर रूट, तो 3 × 2 = 6, 6 दो बार है, 1 6 बाहर निकाल दिया, आंसर इज 6 cm². दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले के लिए 5 × 5 = 10, 14/2, दैट इज 7 cm हमारे पास में एस की वैल्यू आ रही है। तो एरिया इज इक्वल टू 7 × 7 − 5, 7 − 4, 7 − 5, पूरे का अंडर रूट। इट इज 7 × 2 × 3 × 2, खाली 2 दो बार आ रहा है, बाहर निकाल दीजिए, इट इज 2√21 cm². कल 21 के अंडर रूट की वैल्यू हमने निकाली थी, इट इज 4.5। देखिए कल स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कल 21 की वैल्यू हमने नहीं निकाली थी, कोई बात नहीं आज निकाल लेते हैं। चलिए 21 का अंडर रूट निकालना है, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, तो 4 वाला चलेगा, 4 × 4 = 16, माइनस किया 5 बचा, यहाँ पर प्लस 4 करके 4 + 4 = 8, डेसिमल लगाइए, दो बार जीरोस लीजिए, ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है जो यहाँ और यहाँ सेम रहे। 5 जा लेते हैं तो 5 × 8 = 40, 6 जा लेते हैं तो 6 × 8 = 48, कैरी करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए 5 हमारे लिए अच्छा है। 5 और 5 दोनों जगह ले लीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40 और 2 = 42, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा। आगे हमें नहीं जाना है इसलिए लीव इट, हमारे पास अंडर रूट ऑफ 21 की वैल्यू आ गई 4.5। यहाँ पर लेंगे इट इज 2 × 4.5, दैट इज 9 cm². ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज 6 + 9, दैट इज 15 cm². कई जगहों पर सुन लीजिए कि अगर आप कहीं पर नेट पे से या कहीं और से सर्च मार रहे हैं माइट भी, और फिर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पहले वाला एरिया जो अपन ने इस मेथड से ढूंढा है उसकी जगह हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला उन्होंने लगाया, तो क्या वो गलत है या अपन गलत है? तो बेटा आंसर ये है कि ना वो लोग गलत हैं ना अपन गलत हैं। मैंने आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे बताया कि कहीं पर भी 90 डिग्री नहीं दे रखा, ना डायग्राम में ना कहीं पर, तो हम हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते। बट फिर भी कई जगहों पर इसलिए लगा हुआ है कि उन लोगों ने ये प्रूव किया है कि दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे प्रूव किया? तो 5² = 25 और 4² + 3² = 16 + 9 = 25। तो पहले उन्होंने लिखा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC² = AB² + BC², हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने का ऑप्शन नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो बोले पहले AC² ढूंढो, बोले वो 25 आया, इन दोनों का एडिशन ढूंढो, 25 आया, सिंस LHS = RHS आया इसलिए ये 90 डिग्री है, और फिर उसके बाद हाफ बेस इनटू हाइट आप लगाइए,
और मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड क्यों बताऊं, मैं क्यों बोलूं कि इतना दिमाग लगाओ, अपना नॉर्मल पार्ट जो चल रहा है उससे आप सॉल्व कर लो। पता चला तो अपन वो ये ट्राइंगल वाला पार्ट को हाफ बेस इनटू वाइट नहीं लेना पसंद करेंगे, वरना हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हाफ बेस इनटू वाइट हमने क्यों लिया। तो इट इज बेटर कि हम यही वाला मेथड यूज करें और अपना आंसर निकाल लें। क्वेश्चन 3 थोड़ा लेंदी है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्वेश्चन 4 चालू करिए। क्वेश्चन 4 में हमें दे रखा है कि अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर एट द सेम बेस एंड दे हैव द सेम area. If sides of triangle are 26 and 26, 28 and 30. ठीक है, हमें दे रखा है कि ट्राइंगल की साइड जो है वो 26 सेंटीमीटर है। बेस, बेस मतलब वो जगह जहाँ पे ट्राइंगल भी बन रहा है और जहाँ से पैरेललोग्राम भी बन रहा है, वो वाला जो हमारा बेस है, ये बेस, ये बेस की वैल्यू हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो दूसरी साइड हो गई भाई, एक ट्रायंगल है उसकी एक साइड 26 हो गई, बेस जो है वो 28 हो गया, और थर्ड साइड जो है वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोला है कि दे स्टैंड ऑन द सेम बेस 28 सेंटीमीटर, दोनों का बेस एक ही है 28, यानी बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हम ऐसा लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइन और जीएल, इट इज पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। दे हैव सेम बेस सेम एरिया, साइड ऑफ ट्रायंगल आर 26 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। तो पैरेललोग्राम अगर 28 पर है तो ये वाला भी 28 पर है, दे हैव द सेम बेस। बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला लर्न करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस हमें 28 दे रखा है, हाइट हमें ढूंढनी है, बट व्हाट अबाउट द एरिया। तो उसके लिए वर्ड हमें दिया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें किसका एरिया पहले ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढना है। जैसे ही हम ट्रायंगल का एरिया ढूंढेंगे वही एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढने के लिए वापस सेम फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और पूरे का अंडर रूट। एस इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाय 2। कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसे 2 और 30 को या 26 को कट मत कर देना, अभी भी एक ना एक ऐसा जरूर होगा जो ऐसी गलती कर रहा होगा। पहले ऐड करिए और ऐड करने के बाद में ही डिवाइड करिए। 6 और 8 14 5 8 डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 42। तो ये एस की वैल्यू है, पुट अप करो एरिया आएगा, उस एरिया को हम यहाँ लिखेंगे तो मिल जाएगा एच इज इक्वल टू एरिया अपॉन 28। चालू करिए। यहाँ पर हमारे पास आया है S is equal to 42। आगे बढ़ते हैं, 42 into 42 minus 26, 42 minus 28 और 42 minus 30 पूरे का अंडर रूट। इट इज 42 into, इसको माइनस करोगे 16, 14 और यहाँ पर 12 और पूरे का अंडर रूट। अब 42 का मतलब 6, 7 का 42, 16 का मतलब 4, 4 का 16, 14 is 2, 7 का 14 और 12 it is 2, 6 का 12 पूरे का अंडर रूट। दो बार 6 आ रहा है, एक 6 बार
दो बार सेवन आ रहा है, एक सेवन बाहर, दो बार फोर आ रहा है, एक बार फोर बाहर, दो बार टू आ रहा है, एक टू बाहर। सिक्स सेवन जा 42, 42 टू जा 84 और 84 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 जा 16, यानी 132 और 133 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया इज इक्वल टू 28 इनटू h, h इज इक्वल टू 336 अपॉन 28 डिवाइड करिए, फिर वापिस 27 जा 14, 84 बाय 7, फिर 7 से करिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर आया h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।